वेलकम टू एसएससी इजी। तो दोस्तों आपके सामने हाजिर है टॉप 10 सीरीज क्वेश्चन के साथ। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का कहना था कमेंट बॉक्स में कि सर आप थोड़ा सा सीरीज का क्वेश्चन निकालिए, किस पैटर्न का आ रहा है, आईबीपीएस का एग्जाम है। ओके, तो उन लोगों के लिए ये मैं निकाल रहा हूँ। तो दोस्तों जो भी पैटर्न इसमें बताया जा रहा है इसी टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, तो जाने से पहले इसे प्लीज देखते हुए जाए, ठीक है। और अभी तक जो भी दोस्त सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब इट। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है 50, 30, 40, 75 एंड 170, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसमें आपको सबसे पहले देखना है क्या है, ये हाफ पैटर्न का केस है। तो वो क्या है, देखिए यहां जो आप सेकंड जो देख रहे हैं इसका ये जो फर्स्ट वाला के हाफ के इक्वल में है ना। देखिए इसका 25 होता है, इसका 25 हाफ होता है, ये इसके अप्रोक्स में इक्वल है और इसके बराबर के इक्वल में थर्ड वाला के थोड़ा सा ज्यादा है। तो ऐसा टाइप का जब भी क्वेश्चन रहे कि देखिए पहला ज्यादा है, सेकंड कम है, फिर सेकंड से ज्यादा है थर्ड वाला, इस टाइप का पैटर्न को बोलते हैं हाफ पैटर्न, ठीक है। तो देखिए इस केस में क्या करना है आपको, देखिए दोस्तों इस केस में आपको करना है कि जो भी यहां पे होगा वो 0.5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 0.5 मतलब डिसिमल का केस आ जाएगा इसमें। तो चलिए देखते हैं, अगर 50 को अगर हम 0.5 से इंटू करते हैं दोस्तों,
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0, 6, 24, 60, 120 एंड 210। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें क्या चीज आपको देखना है, थोड़ा सा गौर फरमाइए कि देखिए यहाँ पे ये दो है, इसको आप ध्यान से देखिए। अच्छा 27 एंड 64, हाँ इसमें से अगर तीन माइनस किया गया है तो 24 आया, इसमें 4 माइनस हुआ है तो 64 आया। अच्छा इस केस के लिए क्या हो सकता है वो आपको देखना है ना, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों। 3 का क्यूब है ना 27, उसमें से गया 3, इसको क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब माइनस 4 है ना, तो नेक्स्ट क्या कितना होगा 5 का क्यूब माइनस 5, देखिए आ रहा है 125 माइनस 5 कितना आ गया 120 है ना, तो वैसे ये क्या होगा 6 का क्यूब माइनस 6 216 होता है, माइनस 6 कितना आ जाएगा 210। तो नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों 7 का क्यूब माइनस 7 तो कितना आ जाएगा 343, 7 का क्यूब क्या होता है 343, इसमें से 7 चल गया तो क्या बचा दोस्तों 336 है ना, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन सी, होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पैटर्न आपको याद रखना, मेन काम यही है दोस्तों। और दोस्तों जो भी दोस्त अब तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 6, 10, 33, 128 एंड 645। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है वो हमें चेक करना है। तो आप ऐसा कीजिए, क्या बोला गया था आपको बीच से कहीं से लेना है, चलिए इसका लेते हैं। ओके तो देखिए 33 इंटू इसके सामने में कितना ला सकते हैं, देखिए 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 99, 3 से करेंगे तो 99 दूर हो जा रहा है, तो 3 से इसको 4 से करते हैं तो क्या आ जाएगा देखिए 132। इसका मतलब इंटू 4 करके अगर माइनस 4 करें तो ये आएगा 128। चलिए इसके पहले वाला का भी देख लेते हैं क्या, या तो इंटू 3 होगा नहीं तो इंटू 5 होगा, तो इंटू 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि इंटू 5 करेंगे तो दोस्तों 50 चल जाएगा, दूर चल जाएगा, मतलब इंटू 3 है तो इंटू 3 किए। ठीक है, इंटू 3 करने के बाद क्या आ रहा है 10 इंटू 3 30, लेकिन यह 33 मतलब प्लस 3 है, तो हमको एक चीज पता चला कि अल्टरनेट है साइन, तो मतलब यहां पे फिर से होना चाहिए हमारा नेगेटिव। तो चलिए देखते हैं 2 से इंटू किए 6 इंटू 2, माइनस होना चाहिए -2, देखिए 10 आता है आ रहा है, फिर यहां पे क्या होगा इंटू 1 प्लस 1, तो दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा इसके बीच का